हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिनाज बायोलॉजी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों, सेल। सेल का ही एक पार्ट है सेल वॉल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, तो जानते हैं कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेल वॉल को तीन परतों में बांटा गया है दोस्तों। सेल वॉल को तीन परतों में बांटा गया है। तीन परत का नाम कौन कौन है? मिडिल लैमेला, माध्यमिक पटलिका, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल यानी द्वितीय कोशिका भित्ति। जिस तरह से हर एक चीज़ का परत होता है, उसी तरह से सेल वॉल का भी परत होता है। तो सेल वॉल का कितना परत है? तीन परत है। देखिए, हम अंडरलाइन भी आप लोग को सुविधा के लिए कर दे रहे हैं दोस्तों। ये रहा तीन। ठीक है, चलिए आइए सबसे फर्स्ट परत के बारे में जानते हैं। मिडिल लैमेला यह एक ऐसा परत है जो सेल डिवीजन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा, सेल डिवीजन जब होगा तो कोशिका को जोड़ने का काम कौन करेगा? मिडिल लैमेला, अच्छा, मतलब पहला वाला परत। ठीक है जी, यह मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा कि सेल वॉल का जो मिडिल लैमेला होता है वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है, देख लीजिए, अंडरलाइन मैंने कर दी हूँ, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। समझे दोस्तों? आइए आगे जानते हैं। देखिए, मिडिल लैमेला का क्या है, फिगर है मिडिल लैमेला का फिगर। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए जब भी कुछ भी डील कीजिए तो फिगर बनाना ना भूलिए। एक दो पॉइंट कम लिखिए वो सही है, लेकिन फिगर ड्रा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए दूसरा सेल वॉल के बारे में जानते हैं। प्राइमरी सेल वॉल मिडिल लैमेला के ऊपर दोनों ओर साइटोप्लाज्म के द्वारा एक पदार्थ जमा होता है जो अत्यंत कोमल एवं पतला होता है। मतलब मिडिल लैमेला के ऊपर दोनों ओर यानी साइटोप्लाज्म में उसके ओर एक पदार्थ जमा होता है जो अत्यंत कोमल एवं पतला होता है, जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और दोस्तों, मैं इसलिए एकदम सामने में रख रही हूँ कि अगर जिन स्टूडेंट को नोट्स बनाना है वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों, पेन पेपर लेके, कॉपी पेन लेके ज़रूर आप लोग बैठा कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल को एक बार हम फिर से डील कर देते हैं। प्राइमरी सेल मिडिल लैमेला के ऊपर दोनों ओर साइटोप्लाज्म के द्वारा एक पदार्थ जमा होता है जो अत्यंत कोमल, अच्छा, पतला होता है, जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल का फिगर देखिए। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग ड्रा कीजिए तो फिगर प्राइमरी सेल वॉल का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे तीसरा लेयर के बारे में, जिसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे कोशिका मेच्योर होने लगती, मेच्योर मतलब परिपक्व, हर एक इंसान अपनी मेच्योरिटी अवस्था में आता है यानी परिपक्व अवस्था में आता है, तो उसी तरह से कोशिका का भी मेच्योर स्टेज जब होने लगता है, वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल घटने लगती है। और मतलब सेल वॉल घटने का मतलब आप समझे दोस्तों, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिस तरह से बच्चा जब छोटा रहता है तो उसमें हड्डियों की संख्या बहुत रहती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो घटने लगता है उसका हड्डी की संख्या और ज्वाइंट होने लगता है। सेम यही चीज़ है कि सेकेंडरी सेल वॉल वह है, जैसे जैसे कोशिका मेच्योर होने लगती है वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल घटने लगती है, और अंदर में एक मोटी परत का निर्माण होता है जिसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं।
दोस्तों, आइए सेकेंडरी सेल वॉल का फिगर भी देखिए। आपको फिगर से पता ही चल रहा होगा, फिगर से आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि कैसा है। देखिए सबसे लास्ट वाला, हम वीडियो को थोड़ा जूम कर देते हैं। सबसे लास्ट वाला है जो अंदर में है, उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। फिर जो दाने जैसा दिख रहा है आपको, वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जिसको कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म भी हम जानते हैं। तो आइए प्रोटोप्लाज्म क्या है। बहुत सारे लोग सुनते हैं जी, क्या प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, कौन कौन प्लाज्म है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइए, बिल्कुल भी ना। परिनाज बायोलॉजी क्लास इसीलिए आया है। आइए जानते हैं प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसका हिंदी होता है जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म का उच्चारण सन 1840 ईस्वी में जे परकिन जी नामक वैज्ञानिक ने किया। ये नाम भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, पूछ दिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का उच्चारण कौन वैज्ञानिक ने किया, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो जे परकिन जी थे, और कब किए थे, 1840 ईस्वी में। वीडियो आपके सामने है, आप वीडियो को रोक के नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म जो हम लोग जान रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म है जी, परकिन जी ने तो कर लिया, ठीक है बाबा। प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किसने किया, अध्ययन कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग तो जे परकिन जी लगा देंगे, लेकिन नहीं, जब उच्चारण बोले तो जे परकिन जी लगाइए, और नहीं बोले तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि अध्ययन किसने किया 1846 में सेलेडिन ने किया। 1846, ठीक है। हम मैं मतलब हिंदी में थोड़ा वीडियो मतलब नहीं बना पाती हूँ दोस्तों, मतलब 1846 बोलती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं इंग्लिश में ही सारा वीडियो डालती हूँ, और भी मेरा चैनल है, तो मैंने जो हिंदी स्टूडेंट वालों के लिए है, तो इसीलिए मैंने हिंदी में बनाया है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, यानी आप इंग्लिश में याद कीजिए। 1846 में सेलेडिन ने प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किया। प्रोटोप्लाज्म के जीवन के बारे में किसने बताया, तो 1868 में टीएच हैक्सले ने बताया। टीएच हैक्सले ने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म का जीवन भी होता है, जिस तरह से हमारा जीवन होता है उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म का भी जीवन होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग प्रोटोप्लाज्म को परिभाषित करें, यानी उसको डिफाइन करें। तो प्रोटोप्लाज्म चटनी के जैसा, हंसना नहीं है दोस्तों, समझना है। चटनी जानते हैं, चटनी जिसको चाट जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म चटनी के जैसा चिपचिपा द्रव है, जो केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में बदलता है। अब आप लोग कभी भी मेरे ख्याल से प्रोटोप्लाज्म का डिफाइन तो नहीं बोले, डायरेक्ट याद आएगा चटनी। अच्छा, चटनी के जैसा चिपचिपा द्रव है, जो केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में बदलता है। इसका टाइप्स क्या है दोस्तों, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसको दो पार्ट में होते हैं, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। याद आया दोस्तों, मैंने बोला पता नहीं कौन कौन से प्लाज्म होते हैं, स्टूडेंट कितना कन्फ्यूज हो जाता है, किसको क्या बोले क्या नहीं बोले, साइटोप्लाज्म बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म बोले, प्रोटोप्लाज्म बोले, क्या बोले जी, क्या सर क्या। लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई भी डॉट नहीं रहेगा, ये मेरी 110% गारंटी है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है जी, तो साइटोप्लाज्म वैसा प्रोटोप्लाज्म जो केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म होता कैसा है, तो साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट तथा कलरलेस होते हैं, साथ ही साथ यह रासायनिक दृष्टि से बहुत ही जटिल होता है। देखिए मैंने हर एक अपने नोट्स में फिगर ड्रा किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए साइटोप्लाज्म कहाँ, न्यूक्लियस के बाहर है,
आइए प्रोटोप्लाज्म के दूसरा भाग के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? वैसा प्रोटोप्लाज्म जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। आगे अपना प्यार बनाए हुए रखिएगा दोस्तों परिणाम बायोलॉजी क्लासेस में, और मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।